और रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरा अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए करे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ करीम चाट। मैंने उसके लिए आधा किलो सेब लिए और फिर उसमें मैंने कुछ थोड़े से आलू ले लिए और वाइट चने ले लिए मिक्स करने के लिए और अनार मैंने ले लिया। और ये स्पेशल रमज़ान के लिए आप बना सकते हैं, ये रमज़ान के हवाले से मैं आपको ये रेसिपीज शेयर कर रहा हूँ। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह और नए ही तरीके से ये बनेगी और आपको खाने में, बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम एक बाउल लेकर इन सेब और केले की कटिंग कर लेंगे। इसमें डालिए, अब हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये एक बाउल लिया है और मैंने ये एक वनीला हाफ लीटर आइसक्रीम ली थी, उसे बाहर रख दिया था, ये मेल्ट हो गई है, वो बाउल के अंदर हम इसमें डाल लेंगे। इसमें डाल रहा हूँ, इनका एक पैकेट लिया है इसे हम काट लेंगे। क्रीम इसमें डाल ली है, ठीक है। अब ये क्रीम हम उसमें, जो हमने वाल्स की हाफ लीटर आइसक्रीम, इसमें आप करें आइसक्रीम का कोई भी फ्लेवर आप इसमें ले सकते हैं, इसे मेल्ट करके आपने डालना है। इसमें हम हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। अब इसे हम फोक से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये फोक भी आपका बिटर का काम देता है। ये देखिए हमने 5 मिनट तक ऐसे हमने बीट कर लिया, ऐसे यानी कि शेयर कर लिया, मिक्स कर लिया, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। ये देखिए हमारा ये यकजान हो गया। अब हम ये अपना जो मिक्सचर है, जो हमने कटिंग की हुई थी क्रीम चाट, ठीक है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम यानी इसमें गार्निश के लिए हम कर देंगे। इसमें हमने अनार थोड़ा सा डाल दिया है, इसमें बादाम डाल दिए हैं। अब हमने इसके बाद हम इस पे अब हम इसे मेवा डाल देंगे और आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो मर्जी आप इसमें कर सकते हैं। अब हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे, ये हम पिस्ता इसमें डाल दिया। अब इसमें हम फ्रीज़र में खाने में इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब इसका आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैंने मेयोनीज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने आइसक्रीम लेकर उसका इस्तेमाल इसमें मैंने किया है और आपका एक अलग डिफरेंट एक टेस्ट आपको इसका आएगा। बच्चे बड़े शौक से खाएँगे और रमज़ान के हवाले से आप मुसलसल ये बनाएँगे इंशा अल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए हमें कमेंट्स आप अपने लाजमी दीजिएगा। अब हम ये पहले अब इसे 2 घंटे के लिए अब फ्रिज में, फ्रीज़र वाले में हिस्से में हम रख देते हैं।